Joint operation with Mumbai Police, Gujarat Police's anti-terrorism squad has arrested Islamic preacher Mufti Salman Azhari in Mumbai. He has been arrested for allegedly giving an inflammatory speech. Hundreds of his supporters gathered outside the police station demanding his immediate release. Taking action, the Mumbai Police booked Azhari's supporters from stopping the Gujarat ATS from arresting the accused cleric. Remember, the action comes after the video that Mufti Salman Azhari's speech of at a Muslim community event in Junagadh on the 31st of January went viral. The cleric could be heard making some inflammatory statements here. हम से उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, आज का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। हम से उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, आज का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। सेक्शन 200 हेट स्पीच के है, उसमें हमका क्वेश्चन नहीं है। हमारा ये मानना और हमारा कहना है कि ये इलीगल डिटेंशन है, क्योंकि इनको ना 41A का नोटिस दिया गया, जो सुप्रीम कोर्ट बहुत हार्शली बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ बोला है कि अगर आप 41A का नोटिस नहीं देते हैं तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए ऑफिसर्स पे। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है, हम हाईकोर्ट जाएंगे, बॉम्बे हाईकोर्ट। अभी हम जो उनके हैं, जो भी इन्होंने किया, इलीगली डिटेन किया है, इनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। हैबियस कॉर्पस फाइल करने का हमारा है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे बात की, उन्होंने बताया वारिस साहब 31 तारीख को जूनागढ़ में जो उनका बयान हुआ था, तो वो उनके बयान में उन्होंने कहा कि मैंने किसी की भी हमारे हिंदू भाइयों की ना भावना को ठेस पहुंचाई है, ना किसी धर्म विशेष के अगेंस्ट मैंने कुछ बोला है। बस वहाँ पे एक भाषण था, एक अशार था, वो मैंने पढ़ के सुना दिया। फिर यहाँ आने के बाद उनको पता चला कि कुछ केस हो गया है, तो सुबह में आज पुलिस उनके घर पर आ गई, बोले 20-30 पुलिस वाले सब आ गए, तो हमको उठा के यहाँ पर लेके आ गए पुलिस स्टेशन पर। अभी से हम यहीं बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने एक भी कहा है कि हम कानून कायदे पे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि मेरे साथ इंसाफ होगा। मैंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया है, ना मैंने किसी की आस्था को ठेस पहुँचाने का काम किया है।